हरे कृष्ण। तो हम जानना चाहते हैं कि आप जैसे निराकार बोलते हैं ना कि भगवान आकार नहीं है, और आपने कैसे मतलब कि आकार पकड़े, मतलब कि निराकार परम ब्रह्म मतलब ये एक आकार नहीं है, और आप किसको आकार कैसे मान रहे हैं, भगवान है क्या? इस निराकार जो होते हैं भक्त लोग वो आकार को विश्वास नहीं करते, तो भगवान को विश्वास नहीं करते, भगवान क्या पत्थर में भगवान है क्या? तो आप इसको कैसे अपने जीवन में परिवर्तन की कृष्ण भावना अपना आगे? देखिए प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, आकार साकार निराकार। आकार साकार निराकार, छोटे बच्चे को हम आकार देकर समझाते हैं कि देखो बेटा ये आम है, तो वो ये समझ लेता है कि ऐसा आम होता है, ये हमने आकार से समझ। फिर वो उसका फोटो देखता है तो वो देखता है फौरन पहचान लेता है कि ये आकार है। फिर हम आते हैं साकार, साकार पे हमारा आमना सामना होता है, वो हमारा साकार होता है। और निराकार में सिर्फ आपका ध्यान निराकार में देखना पड़ता है, लेकिन उसमें वो शून्य होता है। तो निराकार में ध्यान को लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन साकार में ध्यान को लगाना भक्ति करना थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्योंकि कृष्णा ने जो भी हमने देखा, हमने उनकी लीलाएं वगैरह देखी, वो साकार में बात्सल्यता को लुभाने वाली थी और उनमें आकर्षण भरा हुआ था, उसमें मल लगता था, उसमें हमको एक केंद्र मिल जाता था कि हम अपना ध्यान वहां पर टिका सकते थे। लेकिन निराकार में शून्य होता है, उसमें ध्यान का टिकाना बहुत मुश्किल होता है। हमको वहां निराकार में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, हम सिर्फ निराकार में अपना सिर्फ ध्यान टिकाने की बात करते हैं, तो उसमें टिकना बहुत मुश्किल था। ब्रह्म को निराकार ब्रह्म को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन साकार में समझना आसान होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है, इसमें अगर मन लगाया जाए तो हमको एक केंद्र बिंदु मिल जाएगा, हम वहां पर टिक जाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि हाँ, कि आपको ये कैसे पता चला, आपको किसने तो आपको बताया होगा कि कृष्ण को किसके बारे में? नहीं, मैंने निराकार को भी बहुत अच्छी तरीके समझा था, उसमें भी ये है कि तू मुझे सब में देख है? तो हम उसको निराकार रूप में हम आपके अंदर भी देखते थे, आपके शरीर से हम बात कभी नहीं करते थे, किसी के भी शरीर से हम उसकी आत्मा को समझ के बात करते थे, उसके ज्ञान से बात करते थे। आदमी में ज्ञान कितना है ये हमें उसके वचनों से समझ में आ जाता था, वो थोड़ा भी बोलता था तो हम समझ लेते थे कि इसकी ज्ञान की गहराई इसके पास कहाँ तक है, तो हम उससे बात करते थे। हमें उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से या उसके किसी भी और ज्ञान से हमें कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन परमात्मा का ज्ञान और समझ उसे कितनी है हम सिर्फ ये देखते थे। तो हमने कहा कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसमें निराकार रूप में हम हरेक में हरेक से बात करके उसके ज्ञान का सम्मान करते थे, हमें उसके पहनावे वेशभूषा से किसी बात से खाने पीने से कोई मतलब नहीं होता। हम किसी के घर भी सत्संग करने जाते थे, हम किसी के घर बार में बिल्कुल नहीं देखते थे किसी घर में क्या है, हम व्यक्ति विशेष से यहाँ सत्संग करके और अपना सेवा करके चले आया करते थे। जैसे कि आजकल जैसे निराकारवादी में मतलब ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा आप जानते होंगे फॉलोअर है, तो आप दर्शक के लिए क्या बताना चाहेंगे कि आपका जैसे परिवर्तन है कि आप ज्ञान के मार्ग में देखें कि व्यक्ति को नहीं देखे, आपने जो ज्ञान जो बता रहे फिलोसफी है इसको हम नहीं समझे, तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या आप कैसे अपना हृदय में परिवर्तन किया, आप क्या इनको संदेश देना चाहेंगे? हम तो संदेश ये देना चाहेंगे कि बस इतना है कि हम अगर कृष्ण की भक्ति में आ जाए, क्योंकि वो सम्राट है, विश्व में एक ही महापुरुष है, बाकी तो सारी उनकी माया है, हमने अगर उनको समझ लिया तो हमारे जीवन मनुष्य योनि हमारी सार्थक हो जाएगी, अदरवाइज इसके अलावा कोई रास्ता और है ही नहीं। हम सिर्फ एक मनुष्य योनि का फायदा उठाने के लिए हम कृष्ण की भक्ति में आए, क्योंकि इनके बिना पाए हमारा कोई उद्धार नहीं है। इनकी सेवा में आने के बाद, इनकी भक्ति को समझने के बाद भी और कृष्ण को समझने के बाद किसी को समझना शेष है ही नहीं। इनको जिसने समझ लिया उसकी तो नहीं अपार होगी। जैसे प्रभु जी मैंने बात किया था, प्रभु जी बता रहे थे कि आपने मतलब कि यहाँ पे निराकार बाद में जो भी फाउंडर रहे थे, तो इसमें क्या रिलेशन था, आप थोड़ा चेक कर सकते हैं? इस निराकार मिशन इसमें तो हमको शुरू में 5 प्रण दिए जाते हैं, वो हमने 5 प्रण लिए,
लेकिन पांचों प्रणों में अगर जिसने पांच प्रण का निर्वाह कर लिया वो पक्का निरंकारी हो जाता था, लेकिन पांचों प्रणों को निभाना इसमें बड़ा डिफिकल्ट था। हम पहले ही प्रण नहीं निभा पाते थे कि हमने आपको बताया ना तन मन धन निरंकार का है, लेकिन सब कुछ निरंकार का है लेकिन हम देंगे कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ हम ओरल बोलते थे हैं, लेकिन हम कर्मों से नहीं थे। तो बहुत सी चीजें ऐसी थी। हमारे निरंकारी बाबा हरदेव जी कहा करते थे कि पूरे विश्व में मैं इतना भी घूमता हूँ लेकिन दस सच्चे निरंकारी नहीं है। अनुयायी तो बहुत है, है? लेकिन सच्चे निरंकारी नहीं है। तो मैंने भी इसमें कम से कम 24 इयर्स सेवा की, और जब हमारे बेटे की डेथ हुई तो हमारी बड़ी बेटी बोली कि मम्मी अब हमारी एक माताजी हैं, उन्होंने आपको बॉम्बे बुलाया है, आप बॉम्बे आइए। तो ये इस निरंकार की हम कृपा मानते हैं कि हमारी सेवाओं से शायद ये खुश होकर इन्होंने हमको इधर डाइवर्ट कर दिया। ऐसे शास्त्र में कहा जाता है ना, यदि हम ब्रह्मा जी को कि शिव जी को देवी देवता को पूजा करने से इनको यदि प्रार्थना करते हैं कि हमको सुप्रीम से मिला लीजिए, तो इस प्रकार से भी मिलाते हैं, ऐसे भी कुछ घटना। देखिए बाकी जितने भी ये देवी देवता जो है ये सब इनके श्वास हैं, सब इनके अंश हैं, और परम पुरुष तो एक सिर्फ कृष्ण है। तो जैसे कि हम एक प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने सारे डिपार्टमेंट्स बांट दिया करता है कि काम ठीक चले, लेकिन वो स्वयं तो एक ही होता है। ऐसे ही परमात्मा एक है, ये उसके डिपार्टमेंट हैं शंकर और ये ब्रह्मा जी और ये इंद्रदेव, जितने भी देवता हैं सब उसके डिपार्टमेंट्स बांट दिए, अपना अपना काम करते हैं, लेकिन बागडोर तो सिर्फ एक कृष्णा के हाथ में। तो सबसे पहले आप कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे आए, इसको हमको बारे में कैसे पता चला? हमने आपको बताया ना कि हमारी बड़ी लड़की जो है वो इस्कॉन में आज उसे कम से कम 22-23 साल हो गए जुड़े हुए, उसके बाद उसके हस्बैंड अभी 4-5 साल हुए तब जुड़े हैं, और उसकी बेटी जो थी उस समय अमेरिका में है वो भी जुड़ी हुई है, वो भी ज्ञानवान है। उसका बेटा अभी छोटा है, उसे अभी मतलब दीक्षा नहीं मिली है, बाकी उनका सब ज्ञानवान है। जैसे कि निराकार में ओम का जो ध्यान उच्चारण के लिए वो ध्यान लगाते हैं, और आपको हरे कृष्ण मंत्र से ओम ध्वनि से आपको क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, क्यों हरे कृष्ण मंत्र अच्छा लगा? उसमें है अच्छा, उसमें मूर्ति पूजा का निषेध है, उसमें वो मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं निरंकारी मिशन में। हमने भी हमारे पास भी बहुत से ठाकुर जी का मंदिर था, हमने भी बहुत से किसी को दे दिया, और हमने बिना उसके डायरेक्ट, क्योंकि इसमें नर पूजा नारायण पूजा है, नर पूजा नारायण पूजा है, और इसमें हम अर्चन विग्रह और ये इन सबकी भी पूजा करते हैं। तो हर चीज में परमात्मा का ज्ञान होना ये बहुत मुश्किल बात है। हम अर्च विग्रह में भी भगवान के दर्शन करते हैं, खंभे में जब भगवान अपने प्रकट हो सकते हैं तो वो तो हर चीज में प्रकट हो सकते हैं। आपकी आस्था कितनी है, आपका विश्वास कितना, इस पर डिपेंड करता है। नहीं, जैसे कि मैंने कुछ नहीं कहा कि ओम आप उच्चारण करते थे, आपको हरे कृष्ण महामंत्र भी मिला, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या अंतर है शांति का? देखिए ये एक सिद्ध मंत्र है, हरे राम हरे राम कृष्ण ना, ये बहुत पुराना मंत्र है, आज का मंत्र नहीं है। ये हमने बहुत बचपन में भी सुन रखा था, और हमारे निरंकारी मिशन में क्या था, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ मुझे बख्श लो, उसमें अपनी गलतियों की गुनाह की क्षमा मांगते रहते हैं। कि गलतियां होती हैं, हम मानव शरीर में, हमसे आज भी गलती होती है, हमें गुस्सा बहुत आता है तो हम बहुत गलत बोल जाते हैं कभी कभी गुस्से में, तो गलतियां तो हम आज भी करते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की क्षमा भी मांग लेते हैं कि हमारा क्रोध तेरा दिया हुआ है तो इसको हरण कर ले। जैसे इस्कॉन की संपर्क में आए तो आपको कैसे अनुभूति हो रहा है, रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, आपको कैसे लग रहा है इस्कॉन में संपर्क में आके परीक्षण मामले जब करके? इसमें मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन को शांति मिलती है,
और पहले हम बिजी बहुत रहते थे, हमें एक सत्संग हम रोज करते थे, कभी कभी दो भी कर लिया करते थे क्योंकि हमारी ड्यूटी लगा करती थी। अब क्या है कि अब हम ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं तो हम घर में हरे कृष्णा का जप किया करते हैं। हमको ये नहीं मालूम कि हम कितनी माला कर लेते हैं, लेकिन हमारा जब भी हमें टाइम होता हम तो करते ही रहते हैं, क्योंकि परमात्मा असीम है तो हम उसकी गिनती किसी भी चीज की नहीं करते। 16 माला से ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो जाए, 16 से कम तो नहीं होती, ज्यादा होती, लेकिन गिनती नहीं है। माला तो हम 4-5 साल से कर रहे हैं, जब से हमने मिशन छोड़ा है और हमारे बेटे की डेथ हुई, हम बॉम्बे पहली बार गए हैं 2017 में। कैसे आपने निराकार वाला को छोड़ दी? कैसे आपने निराकार जो समूह में थे तो आप आकार मिल भी आए, तो कितना साल हो गया? 5 साल। 5 साल हो गए। हमारे बेटे की जब यहाँ पर आके डेथ हुई तो उस वक्त तक हम सत्संग करके आए थे जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, तो वो हमको लेने नहीं गया। हमने कहा आज कोई बात हो गई है, तो हमने देखा कि उसकी गाड़ी बाहर खड़ी थी, तो मैंने कहा कि आज कुछ गड़बड़ है, तो कहा मम्मी आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। तब तक तो हम निरंकारी मिशन में हम रहे, फिर उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो उसका 13वीं हमने की थी, तभी हमारी बड़ी लड़की ने कहा कि मम्मी तुम बॉम्बे चलो, तुम्हें बुलाया गया है वहां पर। तो हमने कहा कि और उनका कहा हुआ कोई सब मांगते हैं, कोई मना नहीं करता है, तो हम बस दो धोतियां रख के और हम बॉम्बे चले गए। तो सबसे पहले तो हमें वृंदावन बोले गई, बाकी बिहारी के दर्शन कराए, उन्होंने हमें खुद पकड़ा है, हम अपने आप नहीं गए थे तो उन्होंने हमें खुद खींचा अपनी तरफ से। या हम ये कह ले कि हमारे सतगुरु बाबा जो हरदेव जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि हम तो दुनिया से चले गए हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, अब तुम्हारा तुम्हें डाइवर्ट हम कृष्णा की तरफ भेज रहे हैं, तो उन्होंने हमें इनकी तरफ भेज दिया। फिर हम जब बॉम्बे गए तो फिर हम वहां का रंग में ही रंग है, वहां के संतों प्रभु जी लोगों ने इतना प्रेम किया, हम आपको बताएं जैसे हमारी उनसे पुरानी जान पहचान रही, कुछ हमारे पिछले संस्कार रहे होंगे, इतने सब मिले कि जैसे हमें कुछ नयापन नहीं लगा। माता जी अब कि हम 5 साल बाद गए तब भी कहे माता जी आपका वहां, अब आप यहीं रह लीजिए। हमने कहा फिर आइए, समय बेटे की पढ़ाई है, हम जल्दी हमें जाना है, तो हमें उन्हीं लोगों ने मतलब ज्यादा इतना किसी का प्रेम आपको कहीं भी खींच के ले जा सकता है। एक और एक उसमें कि आप जैसे कि आप जो भी भक्त लोग निराकारवादी में हैं और कुछ लोग जाना भी चाहते हैं, तो आप दर्शक के लिए क्या बताना चाहेंगे कि भक्तों के लिए कि निराकार को हमको स्वीकार करना चाहिए कि हमको जो आकार को स्वीकार करना चाहिए? हम तो यंगे अगर आपको ज्यादा समझ है तो आप निराकार में जाइए, आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकती हैं, और वरना आप कृष्णा की भक्ति में जाइए, ये सब सिखा लेते हैं। अपने प्रेम में इतना इनके आकर्षण है कि ये स्वयं खींच लेते हैं। जैसे मिले आज से पहले तीन साल पहले समथिंग एक PhD से मिला था, बहुत अच्छा पढ़े लिखे थे और हमारे पास भी आया था, तो हमने पूछे कि आप कैसे निराकार बात नहीं होगी, हाँ यही सब कुछ है और कुछ नहीं है, सब जगत मिथ्या है, ये सब कुछ ऐसे करके तो डिफरेंट नजर से देख रहे। देखिए हमने ओशो का भी लिटरेचर देखा, सिद्धांत जी का भी लिटरेचर देखा, सब एक ही बात बोलते हैं कि परमात्मा एक है और उसी की भक्ति में आप आ जाइए, ऊपर जाकर सब एक हो जाते हैं। अपने अपने रास्ते अलग अलग हैं लेकिन ऊपर जाकर सब एक, समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ऊपर जाके सब मानते एक ही परमात्मा एक ही है, दो चार नहीं है, एक ही है नहीं? तो अब हम किसी भी सागर में जाते हैं, अलग अलग नाव पे बैठे हुए हैं लेकिन जाना सबको पार ही है। अपनी अपनी नाव पे जो बैठे हैं उसी के गुण गाते हैं, आलोचना का विषय नहीं है भक्ति, ये अंदर का विषय है, बाहर दिखावे का विषय नहीं है कि आप अगर गेरुआ वस्त्र पहने तो हम आपको मान लें कि आप बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, हम आपकी बोली से समझ जाएंगे कि आप कितने वान हैं, ये वाणी जो है ये समझाती है कि आप कितने ज्ञानवान हैं, वेशभूषा कोई माने नहीं रखती है। या हम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को नहीं देखते हैं कि वो कितने महलों का रहने वाला या एक छोटा गरीब आदमी है, उसके पास ज्ञान कितना, ज्ञान तो वो आपसे कितना बड़ा है, वो महान है, और आप बड़े होकर भी कुछ नहीं अगर ज्ञान है आपके पास तो आप उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, ये सब चीजें ज्ञान में नहीं आती हैं। तो और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप पहले तो मूर्ति विग्रह पूजा तो नहीं करते थे, ये भी आपने भगवान श्री कृष्ण को जो पूजा करते हैं फोटो की मदद से विग्रह की मदद से, आपको कैसी आपको अनुभूति हो रही है, सब
इससे पहले और अभी क्या आपको अनुमति? तो आपकी कमाल की पता है, हमारे पास तो एक भी ठाकुर जी नहीं थे, ये लड्डू गोपाल स्वयं आ गए, लड्डू गोपाल स्वयं आ गए। हम वहां से वृंदावन आए तो लड्डू गोपाल रखे हुए थे, तो हमने कहा ये ले ले हम, तो हमारी लड़की बोली मम्मी ले लो, लेकिन तुम रोज पूजा कर पाओगी, तुम देर से नहाती हो, ये है वो है, तुम निभा पाओगी? हमने कहा जब लेंगे तो फिर निभाएंगे भी। तो वो कह रही थी मम्मी हमें उस समय शेर रहा था, लेकिन तुमने जैसे निभा लिया है, ऐसे कोई निभाना आसान नहीं था। फिर जो ब्लैक वाले लड्डू गोपाल हमारे पास है, ये भी स्वयं आ गए। और आपको पता है हमारी बीच वाली लड़की जो है वो सर्विस करती है, उसकी एक टीचर जगन्नाथ जी गई, उसने कहा हम तुम्हारे लिए क्या लाएं, उसने कहा तुम्हारा मन हो वो ले आना, तो वो तीनों जगन्नाथ जी को ले आई। तो वो जगन्नाथ जी वहां से चल के आए, हमारी लड़की ने कहा हमारे पास तो है, ये मम्मी पास पहुंचा दो, वो भी अपने आप से उन्होंने अपना परिवार यहाँ आके खुद जोड़ लिया। हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपना परिवार खुद जोड़ लिया और आके बैठ भी गए, और सारे घर को उन्होंने कारोबार भी अपने हाथ में ले लिया। हमसे कहा तुम फ्री हो जाओ, अब जो कुछ भी वो करते हैं तो उनकी मर्जी से करते हैं। आपको बताएं कि एक बार मैंने उनसे बिना कहे चली गई रोड पे, मैं एक घंटे खड़ी रही कि इस समय से मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। पहले बेटे के पास हमने कार भी थी और स्कूटर गाड़ी सब थी, तो मैं खड़ी रही और मुझे ऑटो नहीं मिला। हम लौट आए तो हमने घर पर आके कहा कि आज हम काना तुमसे कह के नहीं गए, तो तुमने आज हमें पैदल वापस कर लिया। और जब दूसरे दिन हमने कहा आप चलो हमारे साथ, हमें सामान को दिलवाओ चल के थोड़ा सा, तो ऑटो हमें यही खड़ा मिल गया। जब उनकी मर्जी होती तभी हम कहीं जा सकते हैं, और नहीं मर्जी होती तो वो हमें लौटा देते, जाने ही नहीं देते। हमने कहा कि अब हमें कल कनागत करना है, कैसे करें, हमारा तो शरीर ही काम नहीं कर रहा, हम बहुत टेंशन में। उन्होंने सारा इंतजाम स्वयं करवा दिया। और सबसे बड़ी बात है हमारी वैक्सीन के तीनों इंजेक्शन कैसे लग गए, हम तो इस बात का ताज्जुब करते हैं। डॉक्टर हमें बिल्कुल खाली मिला और बस इतनी भीड़ लग रही थी। बॉम्बे जे हमको ले गए और लौटाल लाया, हमें पता नहीं चला। बस कोई भी काम कैसे हो जाता हमको इसका यह एहसास नहीं होने देते हैं, लेकिन अब जो काम नहीं करना होता वो कभी करेंगे ही नहीं। तो ये सब बातें ऐसी हैं, मतलब एक्सपीरियंस है, या आप समझ लीजिए कि तरीका विश्वास है। परमात्मा विश्वास के अंदर मौजूद है, आप कितना विश्वास करते हैं ये आपका विश्वास आपको समझाएगा कि परमात्मा क्या है, और आपकी लगन इससे कितनी है। बात लगन की है।